गांधी ने तस्वीर साफ कर दी है कि कांग्रेस महिला मुद्दे को ही केंद्र में रखकर चुनाव में उतर रही है। प्रियंका गांधी की बड़ी प्रतिज्ञा, आगामी विधानसभा चुनाव पर बड़ा ऐलान, महिलाओं को 40% टिकट, कांग्रेस का चुनावी पोस्टर लॉन्च, कांग्रेस का बड़ा चुनावी नारा, लड़की हूं लड़ सकती हूं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी की महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी एक के बाद एक ऐसे निर्णय ले रही हैं जिससे यूपी में कांग्रेस की वापसी की उम्मीद बढ़ती जा रही है। जहां कहीं भी महिलाओं के प्रति अपराध हो रहा है वहां पर प्रियंका गांधी पहुंच करके अपनी मौजूदगी जरूर दर्ज करवा रही है। प्रियंका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पार्टी का चुनावी पोस्टर लॉन्च किया जो महिलाओं पर आधारित है। पोस्टर के जरिए कांग्रेस की आगे की रणनीति भी साफ हो चुकी है कि कांग्रेस ये चुनाव महिलाओं के मुद्दे पर लड़ने वाली है। हमने तय किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। हमारी प्रतिज्ञा है कि महिलाएं उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से भागीदार होंगी। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुछ लड़कियां मेरे से मिली और उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से यूनिवर्सिटी के नियम कानून, हॉस्टल के नियम कानून उनके लिए अलग थे और पुरुषों के लिए अलग। प्रियंका गांधी ने प्रतिज्ञा लेते हुए बड़ा ऐलान कर दिया है, अब यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी 40% महिलाओं को टिकट देगी। प्रियंका ने ये तो प्रतिज्ञा ली कि आगामी चुनाव में 40% टिकट महिलाओं को दिए जाएंगे, लेकिन प्रियंका ने ये भी बताया कि आखिर क्यों कांग्रेस को ये फैसला लेना पड़ा। प्रियंका गांधी ने कई घटनाओं का जिक्र किया और कहा कि महिलाओं को बराबरी का दर्जा, न्याय, हक दिलाने के लिए ही ये निर्णय लिया गया है। प्रयागराज से लेकर के उन्नाव और लखीमपुर तक की घटना का जिक्र प्रियंका गांधी ने किया। प्रियंका ने कहा कि किस तरह यूपी में महिलाओं को न्याय नहीं मिल पा रहा, अब कांग्रेस का ये फैसला महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिलाएगा। ये निर्णय उन्नाव की उस लड़की के लिए है जिसको जलाया गया, मारा गया, उसकी भाभी के लिए है जो आज भी संघर्ष कर रही है उसका, और उसकी 9 साल की भाभी की बेटी के लिए है जिसको स्कूल में धमकाया गया था। ये निर्णय उत्तर प्रदेश की हर एक महिला के लिए है जो बदलाव चाहती है, जो न्याय चाहती है, जो एकता चाहती है, जो चाहती है कि आगे बढ़े उसका प्रदेश। यूपी के विधानसभा चुनाव में 5 महीने से भी कम का समय बचा है। उससे पहले चाहे लखीमपुर हिंसा पर प्रियंका का प्रण हो या फिर महिलाओं को लेकर के 40% टिकट देने की घोषणा, उनके फैसले लगातार यूपी की राजनीति में भूचाल तो ला ही रहे हैं, साथ ही सत्ता पक्ष और बाकी के विपक्ष की नींद भी उड़ा रही है। हाल ही में देखने को मिली प्रियंका गांधी की तेजी, कांग्रेस में जान फूंक रही है और महिलाओं को 40% टिकट देने के फैसले पर कांग्रेस नेताओं का क्या कुछ कहना है आपको सुनाते हैं। और महिलाओं को अधिकार मिले कि वो निर्णय हमारे समाज के स्वयं ले सकें, सबसे मिलकर ले सकें, और इसलिए ये प्रयोग किया गया। देखिए 40% टिकट महिलाओं को देने का जो फैसला आज प्रियंका गांधी जी ने लिया है ये एक ऐतिहासिक फैसला है। ये इसकी सराहना की जानी चाहिए, इसका समर्थन किया जाना चाहिए, इसका स्वागत किया जाना चाहिए, और मुझे लगता है कि इस फैसले का असर भारत की राजनीति पर पड़ेगा, ये भारत की राजनीति को तब्दील कर देगा। धन्यवाद प्रियंका गांधी, ये इंदिरा गांधी की पोती और राजीव गांधी की बेटी ही कर सकती थी। 40% महिलाओं को टिकटों में आरक्षण देना ये कांग्रेस ने दिखा दिया। अब कांग्रेस का चुनावी पोस्टर हो या फिर महिलाओं को विधानसभा चुनाव में 40% टिकट देने की घोषणा, ये फैसला चुनाव में बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। लखनऊ से सीमा नकवी की रिपोर्ट।
भारत समाचार। उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लग गया है। कैसे लगा है? हरेंद्र मलिक और पंकज मलिक ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इधर प्रियंका गांधी कह रही थी 10 मॉल एवेन्यू से मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, उधर उनके सलाहकार ने इस्तीफा दे दिया, यानी हरेंद्र मलिक और पंकज मलिक ने इस्तीफा दे दिया। प्रियंका के सलाहकार हैं हरेंद्र मलिक, जिन्होंने इस्तीफा दिया है, और पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष यानी अध्यक्ष के बाद नंबर दो का ये पोजीशन होता है, पंकज मलिक ने इस्तीफा दे दिया है। दोनों ने पार्टी को छोड़ दिया है। और खबर तो ये है, जैसा कि भारत समाचार को मिल रही है, कि दोनों 19 विक्रमादित्य मार्ग जाकर समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। सीसी मेंबरशिप आदरणीय प्रियंका जी के सलाहकार सदस्य के रूप में, चुनाव अभियान समिति के सदस्य के रूप में और चुनाव समिति के सदस्य के रूप में जो जिम्मेदारी मेरे पास थी, उन सब से अपना त्यागपत्र आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्षा जी को भेजा है। इस अनुरोध के साथ के मुझे तात्कालिक प्रभाव से इन जिम्मेदारियों से मुक्त करें और मेरा त्यागपत्र स्वीकार करें। कुशीनगर को प्रधानमंत्री मोदी करोड़ों की सौगात देंगे, इसको लेकर सीएम योगी कुशीनगर पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। वहीं बस्ती में संचारी रोगों की रोकथाम के अभियान की शुरुआत भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने की। चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश को सरकार की तरफ से सौगातें देने का सिलसिला लगातार जारी है। मेडिकल कॉलेज साबित होगा संजीवनी, 40 लाख लोगों को मिलेगी राहत, पीएम मोदी देंगे परियोजनाओं की सौगात, स्वास्थ्य से विकास तक योगी के कदम। चुनाव से पहले यूपी के लिए सरकार ने सौगातों का पिटारा खोल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास और 12 अन्य परियोजनाओं की सौगात देंगे। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट 589 एकड़ में 260 करोड़ की लागत से बना है। इस एयरपोर्ट के जरिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नई दिशा मिलेगी और सबसे पहले श्रीलंकाई सरकार के विमान की लैंडिंग और टेक ऑफ होगा। इसके साथ ही 40 लाख लोगों को मेडिकल कॉलेज के रूप में संजीवनी मिलने जा रही है। इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। उत्तर प्रदेश को एक तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उपलब्ध होगा, यह हमारे लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम उत्तर बिहार के विकास में इस नए एयरपोर्ट का एक बहुत बड़ा योगदान होने जा रहा है। आज से 3 वर्ष पहले 4 वर्ष पहले जो बात कही थी कि उड़ान योजना, ये विकास की उड़ान है, विकास के लिए एक नई उड़ान है। और हवाई चप्पल पहनने वाला भी अब हवाई जहाज की यात्रा कर पाएगा। उत्तर प्रदेश में इसके साक्षात दर्शन हो सकते हैं। उत्सुक हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, केंद्रीय मंत्रिमंडल से जुड़े हुए सभी माननीय मंत्रीगणों के, और जो यहाँ पर अतिथिगण श्रीलंका से आएंगे, उन सभी का स्वागत करने के लिए प्रदेश भी और कुशीनगर भी पूरी उत्सुकता के साथ तैयार है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ बस्ती के दौरे पर भी रहे, जहां उन्होंने सभी विभागों को समन्वय से संचारी रोग अभियान का शुभारंभ किया। संचारी रोगों के इलाज पर सीएम योगी का खासा ध्यान रहा। इसी के तहत प्रदेश सरकार संचारी रोग नियंत्रण अभियान चला रही है। सीएम योगी ने कहा कि सुखद परिणाम है कि हम त्योहार मना रहे हैं, ये टीम के समन्वय का ही परिणाम है। कोरोना के दौर में 72,000 निगरानी समितियों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर काम किया और इसी तरह संचारी रोग नियंत्रण अभियान भी चलाना है। धीरे धीरे करके प्रदेश के उन 38 जनपदों में जहां पर इंसेफ्लाइटिस यानी दिमागी बुखार से जुड़े हुए मरीज दिखते थे और व्यापक पैमाने पर मौत होती थी, उन सभी स्थलों पर
हम लोगों ने इस अभियान को व्यापक रूप से प्रारंभ किया और जब 3 वर्ष के अंदर हम लोगों ने लगभग इंसेफ्लाइटिस यानी दिमागी बुखार को लगभग 75% तक नियंत्रित करने और मौत के आंकड़ों को 95% तक नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की, देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश। यूपी विधानसभा चुनाव में अब 5 महीने से भी कम का समय बचा है, जिसको लेकर सरकार तेजी से राज्य को सौगातों पर सौगातें दे रही है। कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास कहीं न कहीं बीजेपी को चुनाव में फायदा पहुंचा सकता है। खैर, संचारी रोगों की रोकथाम के लिए सीएम योगी पहले भी जोर देते रहे हैं, चाहे पूरब की बात की जाए या फिर पश्चिम की। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। तो अब आपको कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के बारे में बताते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, 589 एकड़ में निर्मित हुआ है। ये निर्माण में 260 करोड़ रुपए की लागत आई है। रनवे 3 किलोमीटर का है, कुल निर्माण में 200 करोड़ की लागत आई है। 45 मीटर चौड़ा ये एयरपोर्ट रनवे है, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, उत्तर प्रदेश का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। 24 घंटे विमानों का आवागमन होगा, 1 घंटे में 4 विमान यहां पर लैंड हो सकते हैं। 1 घंटे के भीतर यानी 60 मिनट में 4 विमान यहां लैंड हो सकते हैं। एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग 3600 वर्ग मीटर है, पीक टाइम में 300 यात्रियों का लोड हो सकता है। महापरिनिर्वाण स्थल की यात्रा पर फोकस दिया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नई दिशा मिलेगी और पहली फ्लाइट श्रीलंका से यहां पर आएगी। कुशीनगर में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, पूर्वांचल में विकास का रनवे बनकर तैयार है आपके लिए। उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल और बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य जाटव को यूपी के सियासी मैदान में बड़ा मोहरा बनाकर उतारा जा सकता है। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस पूर्व राज्यपाल को आप बेबी रानी मौर्य के नाम से जानते थे, उनका नाम बढ़ा दिया गया है। आपने लखनऊ में भी पोस्टर देखा होगा, बेबी रानी मौर्य जाटव, उसमें जाटव जोड़ दिया गया है, यानी जाटो उन्होंने लिखना शुरू कर दिया है। और पार्टी उनकी सरपरस्ती में यूपी के दलित वर्ग को पुख्ता वोट बैंक बनाने में जुटी है। बेबी रानी मौर्य के नाम में हुए इस बदलाव को लेकर बीजेपी के अंदर तमाम चर्चाएं हैं। मैं जाटव हूँ, 80-90 वर्ष से मेरे यहाँ जूते का कार्य होता है, मैं उस समाज से आती हूँ। अगर उसमें जाटव लिख दिया तो क्या बुरा कर दिया, इसलिए कि कोई मुझे बीसी समझता था, कोई ओबीसी समझता था, तो मेरी पहचान तो हो कि मैं जाटव हूँ। पार्टी चाह रही है कि इनका नेतृत्व पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में नेतृत्व जाए और लोगों की समझ में कहीं कोई किसी को कन्फ्यूजन है, किसी दूसरे प्रदेश वाले कन्फ्यूजन है, वो कन्फ्यूजन खत्म हो जाए और ये पता चले सीधे सीधे दलित समाज की उपजाति जाटव जाति की है। दुष्यंत गौतम से लेकर कांता कर्दम तक बीजेपी के पास बहुत सारे दलित चेहरे हैं, लेकिन बीजेपी को उत्तर प्रदेश में ऐसे चेहरे की जरूरत है जिसके नाम के आगे जाटव लगा हुआ हो। बेबी रानी मौर्य इस जरूरत को पूरा करती हैं और इसलिए अब उन्हें उत्तराखंड से लाकर यूपी में सक्रिय किया गया है और उनके नाम के आगे जाटव भी लिखा गया है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ। बिन मौसम बरसात ने पहाड़ी और मैदानी इलाकों में इस कदर तबाही मचाई कि इंसान से लेकर जानवर तक बारिश के कहर में बच नहीं पाया। अक्टूबर से आई आफत पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अक्टूबर में आसमानी आफत, बिन मांगे बरसात, आफत बेहिसाब, लहरों में फंसी जान, बारिश से हर ओर त्राहिमाम। गुण।
उत्तराखंड में आसमान से ऐसी आफत बरसी कि जमीन पर त्राहिमाम मच गया। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में कुदरत का कहर तेज हो गया है। बद्रीनाथ मार्ग पर लामबाड़ा में नाले उफान पर है। इसी नाले में कार फंस गई तो जान पर बनाई। कार बद्रीनाथ धाम से जोशी मठ की तरफ जा रही थी। किसी तरह यात्रियों को कार से बाहर निकाला गया। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर कार सवारों को बाहर निकाला। तो वहीं उत्तराखंड के हल्द्वानी में गौला नदी पर बने पुल का एक हिस्सा बारिश के चलते भरभरा कर टूट गया। खतरे को देखते हुए आवाजाही पूरी तरह से ठप कर दी गई। ये तस्वीर भी उत्तराखंड के हल्द्वानी की ही है, जहां नदी के बीच धारा में एक हाथी फंस गया। इंसानों के साथ ही साथ जानवरों के लिए भी ये बेमौसम बरसात मुसीबत बन गई। उत्तराखंड के नैनीताल की ये तस्वीरें दिखाती हैं कि मूसलाधार बारिश के चलते नाले किस कदर उफान पर हैं। नाले के दूसरी तरफ सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई हैं। जो इलाका सैलानियों से हमेशा गुलजार रहता है, उस मॉल रोड पर भी नैनी झील का पानी पहुँच गया है। नैनीताल में 24 घंटे में 150 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई। तेज बारिश की वजह से सभी 62 नाले उफान पर हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से न केवल पहाड़ी इलाके बल्कि उत्तर प्रदेश में भी जल प्रलय सी नौबत आ गई है। पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश के बाद जगह जगह जल भराव हो गया है, जिससे आना जाना बुरी तरह से प्रभावित हो चुका है। ये 5 शहरों की 5 तस्वीरें हैं। सहारनपुर, बरेली, बुलंदशहर, रायबरेली, अमेठी, जिनमें देखा जा सकता है कि कहीं नदी नाले उफना रहे हैं तो कहीं किसानों की फसलें आंधी बारिश से बर्बाद हो गई है। तो वहीं उत्तर प्रदेश की इन 4 जिलों की तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि बारिश के बाद जल भराव की समस्या से लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं। पीलीभीत, लखीमपुर, गोंडा, कन्नौज से आई इन तस्वीरों से यह समझा जा सकता है कि यूपी में किस कदर रुक रुक कर हो रही बारिश ने कहर बरपाया है। बिन मौसम बरसात पहाड़ी इलाकों समेत मैदानी इलाकों के लिए भी आफत बन गई है। जगह जगह जल भराव, फसलों का नुकसान और गांव में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। तो वहीं मौसम विभाग ने भी आने वाले कुछ दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। बरेली में बारिश की वजह से आई बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। पहाड़ों से पानी छोड़ने की वजह से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बहेड़ी के दर्जनों से अधिक गांवों के हालात बहुत गंभीर है। लोगों के सामने जीवन का संकट खड़ा हो गया। लोग अपने परिवार को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की गुहार लगा रहे हैं। इन्हें सपा नेता नसीम अहमद ने राहत सामग्री उपलब्ध कराई। वहीं उन्होंने बीजेपी नेता और राज्य मंत्री पर हमला बोला। आज सुबह से लगातार आप देख रहे हैं कि बहेड़ी नगर का भी वही हाल है। बहेड़ी नगर में भी आज उत्तर प्रदेश की सरकार फेल होती दिख रही है कि सरकार द्वारा कोई भी इंतजाम
बहेड़ी शुगर फैक्ट्री द्वारा पानी जो छोड़ा गया है वो पूरी तरीके से नूरी नगर और नई बस्ती को पूरा डुबा चुका है। वहाँ पे लोग अपने खाने का जरूरत का सामान नहीं ले जा पा रहे हैं और बगैर फोर व्हीलर के कोई अपने घर नहीं जा पा रहा है।